अरे क्या वादे भर रहे, तो आज बहुत मजा आने वाले। और यहाँ पे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट राइड मौजूद है वेट एंजॉय में, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है सकलेन। और परवेश भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। तो आप पता है, मुझे तो आप जानते होंगे। अरे भाई सकलेन को कौन नहीं जानता है, क्या बात कर रहे हैं दोस्त। तो अभी हैदराबाद ट्रिप के बाद आज हमारी वीडियो रहेगी एक वेट एंजॉय जो कि मुंबई लोनावला में है, उसका आज हम ब्लॉग करने वाले हैं। तो परवेश भाई डिटेल्स आप दो। चलो दोस्तों, अभी मैं वेट एंजॉय के गेट पे खड़ा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड में पार्किंग एरिया है, फोर व्हीलर पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग, और ये साइड में बस पार्किंग है। जो टू व्हीलर पार्किंग का जो प्राइस है 50 रुपीज़ है और फोर व्हीलर का 100 रुपीज़ है, और बस का तो हमें पता नहीं क्योंकि हम बस से आए नहीं कभी। मुंबई से लोनावला का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का है। अगर आप मुंबई से लोनावला अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो बेस्ट है, या फिर सबसे अच्छा है आप ट्रेन से आओ। मुंबई से लोनावला तक ट्रेन आती है और वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा यहां तक आने के लिए, और बस सर्विस भी अवेलेबल है। बस नंबर है 368 जो आपको वेट एंजॉय तक पहुँचा देगा सामने वाली गेट पर। बराबर। मुंबई से लोनावला का प्राइस कितना था अपना टिकट का? 75-65 ऐसा कुछ तो था। और यहाँ से 21 यानी ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के अंदर आप मुंबई से इधर पहुँच जाते हो। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चलो सस्ता है, अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिकनिक के लिए जब हम छोटे थे, हाँ तब अपन भी एक टाइम पे आया करते थे। लाइन से ऐसे खड़े रहो, रूल बनाओ। तो चलो आप, अपन तो थोड़े से बड़े हो गए तो डायरेक्ट एंट्री करते दोस्त। ये तरफ ऑनलाइन बुकिंग का है और वो तरफ ऑफलाइन के लिए है। दोस्तों अभी गेट के अंदर आ चुके हैं, मेन गेट के अंदर, और टिकट का मैं आपको बता दूं, जैसे कि वेट एंजॉय की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो रेगुलर प्राइस है एडल्ट के लिए 999 प्लस GST है, और अगर छोटा बच्चा है, कोई किड है, तो उसका 79 प्लस GST है, ठीक है। और अगर आपके पास कॉलेज आईडी है तो उसमें आपको 799 यानी 800 रुपया प्लस GST रहेगा। कॉलेज आईडी आपकी कंपलसरी भी रहेंगी। और अगर आप अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क दोनों का कॉम्बो लेते हो वीकडे के अंदर 1249 यानी 1250, 5 से ज़्यादा अगर आप टिकट लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। वेबसाइट में आप चेकआउट कर लीजिए वेट एंजॉय की, वेट एंजॉय आप डाल दो मुंबई लोनावला आ जाएगा। सिर्फ वेट एंजॉय डालोगे तो भी आ जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं आगे। दोस्तों अभी परवेश तो टिकट काउंटर पे बिजी है, सारे कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, और ये इतना बड़ा इसका पूरा मैप है। टोटल मेरे ख्याल से 34 पॉइंट्स है इसमें। तो परवेश टिकट लेके आ गया दोस्तों, मिल गई टिकट? टिकट मिल गई, दो कॉम्बो मिली है और ये टिकट। ये आपको टैग हाथ में पहन के रखना है, ये दो है, दो का एक करेंगे हम। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। और ये बारकोड वाला है, आप स्कैन करेंगे तो ही आप अंदर जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। आने के टाइम और जाने के टाइम ये दोनों दिखाना पड़ेगा। और मैं दीवार खुद के जाऊँ तो? दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अभी हम जहाँ पे हैं हमारे राइट साइड में अम्यूजमेंट पार्क है,
और लेफ्ट साइड में वाटर पार्क है। तो पहले हम अम्यूजमेंट पार्क पूरा घूमने वाले हैं, पूरी राइड करने वाले हैं, उसके बाद हम वाटर पार्क का राइड करेंगे। देखते हैं, इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं, चलना। अम्यूजमेंट पार्क खाली खाली सा है, ये अच्छा है हमारे लिए। और हम वेडनेसडे को आए, जाहिर से बात है वेडनेसडे को थोड़ा सा भीड़ कम होता है। वेडनेसडे और थर्सडे को आओगे तो आपको नॉर्मल दिनों के मुकाबले कम भीड़ कम मिलेगा। तो बाद में एक ही बार जा सकते हैं क्या, बार बार आना जा सकते नहीं कर सकते? अच्छा, पहले क्या आपको इधर के पूरे राइड नहीं मिलेंगे, आप 2-2:30 बजे आएंगे ना। अच्छा, तो आपको पूरे राइड मिलेंगे 2:30 बजे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इधर के 10 राइड मिलेंगे आपको। अभी आए तो 10, और बाद में 2 बजे के बाद आए तो पूरे राइड मिलेंगे आपको। वाटर पार्क जाते हैं उसके बाद? तो फिर पहले वाटर पार्क जाते हैं। चलो फिर दोस्तों, प्लान में थोड़ा चेंज करते हैं। नायलॉन का कॉस्ट्यूम आपको कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली वाटर पार्क में नायलॉन ही चलता है फिसलने के लिए। तो अभी लगर की साइड चलते हैं। 200 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना है डिपॉजिट, उनका 100 रुपीज़ चार्ज है। फिर आप जब यहाँ से एग्जिट करोगे तब आपको 100 रुपीज़ वापस रिफंड कर देंगे ये लोग। ये है कॉस्ट्यूम बॉयज का। तो हमारा लॉकर ये आ गया, और फैक्ट की बात ये कि इससे पहले जब हम आए थे तब भी लॉकर वही था, यही था। तो ये है लॉकर की रखने की जगह, ज़्यादा बैग नहीं, 2-3 बैग आ सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अंदर वाटर पार्क में, और ये बहुत सारी राइड है, बच्चे लोग के लिए है, बड़े लोग के लिए है, आप सब एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहला राइड हम लोग टोर्नाडो राइड करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो राइड सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे होती है। ऊपर से स्टार्ट होती है और ये कुछ ऐसा स्विंग करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। 2-3-4 लोग एक ट्यूब में बैठ सकते राइड में चलते हैं। और पानी थोड़ा सा ठंडा है, बट अच्छा है कि धूप थोड़ी कड़क है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। एक राइड के लिए कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा तो अगर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पिकनिक के लिए जो स्टूडेंट्स आए हैं उसकी वजह से। तो पहले इसमें चले जाते, इसमें ज़्यादा रश नहीं है। तो परवेश ने तैयारी कर ली है, परवेश ले लिया दोस्त? भाई दो चटाई ले लिया हूं। चलो to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. ये वाला तो अभी हमने राइट कर लिया है। अभी परवेश, अभी मैं जाऊंगा 90 डिग्री में येलो वाली राइट। तो तू जा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? चल भाई। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बैटन जो की सबसे हाइटेड राइट में। तो परवेश अभी ये 90 डिग्री वाली राइट जा रहा है, जो कि बहुत ही स्पीड में नीचे फेंकती है लोगों को। और ये रेड वाली 45 डिग्री है। तो मैं वेट करता हूँ परवेश का यहाँ। देखो इसकी स्पीड देखो। I'm so late.
You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it rain. Dude, kitna speed se aaya yaar tu? Phati? Phat gayi? Ab na chahiye. Ab nahi badhega. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it rain. So catch me if I fall. तो अभी दोस्त अभी कौन सी मैड वाली राइड में अभी एक नॉर्मल राइड थी बराबर हाँ अभी कौन सी दूसरी राइड है अभी ये गोल वाली जो अंदर पूरे अंधेरे से होते हुए निकलेंगी बराबर कि नहीं तो जा रहे हैं हम छोटी सी गुफा में लग गई हाँ वो पूरा टर्न कर देता ना अपन को चलो होते रहता है चलो अभी हम जाने वाले हैं मास्टर ब्लास्टर राइड में और ये बहुत ही मज़ेदार राइड है खतरनाक वाली ये वाली राइड है कि नहीं दोस्त ये राइड में बहुत मज़ा आया ये राइड 1 बजे चालू होता है तो अपने हिसाब से जाओ तो परवेज को ट्यूब मिल गई है 5वें माले पे आने के बाद 6ठे माले पे आने के बाद अभी ये 3 मई से किस में आना है और ये नहीं तो फिर चलो और ये नाइट में जिसमें से ये नाइट मेयर तो पूरा अंधेरा है गोप्रो में कुछ दिखेगा नहीं तो फिलहाल के लिए अब ये राइड में जाने वाले हैं
तो अभी एक काम करते भाई, व्यू पुल भी जाके डुबकी उबकी मार के आ जाते हैं, उसके बाद फिर खाना खा के डायरेक्ट मैजिक माउंटेन में, क्या बोलता? चलो फिर जाते हैं। बहुत ज़ोर से लगी है परवेश, तुझे लगी है बहुत ज़ोर से? तो चलो अब अंदर जाते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो अब फूड सेक्शन में हम आ गए। दोस्त नींबू, मेरे अंदर भी नींबू डाल और एक नींबू, नींबू दिया कर जिंदगी में तो सबको। खाने में है भाजी, राइस, बस और रसगुल्ला, दो पाव। ओके, तो ये रहा हमारा खाना। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पाव भाजी में ही है। लेके तो राइस, पाव भाजी और ये शेजवान नूडल और दो रसगुल्ले। खाना पीना हो गया, अब रेडी है पार्क के लिए, मैजिक माउंटेन के लिए। मैजिक माउंटेन में जाने के लिए हमने चेंज वगैरह सारा कर लिया है, तो अभी गुड बाय करने का टाइम है। किसको? वाटर पार्क। वाटर पार्क को, ठीक। शबनम दीदी,